نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومدنينا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين سب ساتھی ثواب اور عبادت کے لیے سے نماز بلدوشی پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام سامعین مکرم دوستو بزرگو مسلمان بھائی 1433 ہجری رمضان المبارک کا آج دوسرا جمعہ ہے میں یہ برکتوں والا مہینہ نصیب فرمایا ہے کہہ دیں الحمدللہ رمضان کے مہینے میں دو احکام خاص طور پر اس امت کو دیے گئے کہ دن کو روزہ رکھا جائے اور رات کو تراویح میں اللہ کا قرآن سنا جائے
तो आज मेरी गुफ्तगू का मौजू दो चीजें हैं, रोजा और कुरान। रोजा इस उम्मत पर फर्ज किया गया और रात को तरावी के कियाम को इस उम्मत के लिए सुन्नत करार दिया गया। महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जअलल्लाहु सियामहु फरीजतन, अल्लाह ने इसके रोजों को फर्ज फरमाया, वक़ियाम लैलिही ततव्वुअ, और इसके रात के जागने को तरावी के कियाम को अल्लाह ने मैं मोहम्मद की सुन्नत करार दी। रोजा रखने पर क्या मिलता है? हम जो सारा दिन भूख बर्दाश्त करते हैं, प्यास बर्दाश्त करते हैं, अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करते हैं, अपनी आंख की हिफाजत करते हैं, अपने कानों की हिफाजत करते हैं, अपनी जबान की हिफाजत करते हैं, इस रोजा रखने पर क्या मिलता है? तो इसके बारे में मैंने दो हदीसें पढ़ी हैं, एक हदीस नबवी और एक हदीस कुदसी। रोजा रखने पर हमें क्या मिलता है, इस पर मैंने एक हदीस नबवी पढ़ी है और एक हदीस कुदसी पढ़ी है। हदीस नबवी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को कहते हैं, हदीस कुदसी अल्लाह के फरमान को कहते हैं। हदीस नबवी ये है कि रोजा रखने पर तुम्हें क्या मिलता है, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन साम रमजान ईमान व इहतिसाब मुगफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बी। महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी रमजान के रोजे रखे ईमानन, ईमान की हालत में। ये क्यों कहा? इसलिए कि यहूदी भी रोजा रखते हैं, ईसाई भी रोजा रखते हैं, लेकिन शर्त ईमान की है। जिसने रमजान के रोजे रखे ईमान की हालत में, वह इहतिसाबन सवाब की नियत से रमजान के रोजे रखे, रियाकारी के लिए नहीं, दिखलावे के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए रोजे रखे। महबूब अलैहिस्सलाम ने बशारत सुनाई, गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बी। इधर रमजान का महीना खत्म होगा, उधर पिछली जिंदगी के सारे गुना अल्लाह अपनी रहमत से माफ फरमा देंगे। रोजा रखने पर क्या मिला? पिछले गुनाह माफ। गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बी, अल्लाह पाक पिछले गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। ये तो हजूर अलैहिस्सलाम ने बशारत सुनाई। और हदीस कुदसी अजीब है, हदीस कुदसी अल्लाह के फरमान को कहते हैं, हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फरमाते हजूर हैं, हजूर फरमाते हैं, मेरे रब ने कहा रोजा रखने वाले को क्या मिलता है, अस्सौम ली व अना अजज़ी बिही, अस्सौम ली व अना अजज़ी बिही। इसका तर्जमा करने से पहले तवज्जो फरमाएं, आदमी नमाज पढ़ता है,
फरिश्तों को हुक्म है नमाज पढ़ने का सवाब लिख दो। हज करता है, फरिश्तों को हुक्म मिलता है इसके हज का सवाब लिख दो। सदका खैरात करता है, फरिश्तों को हुक्म मिलता है इसके सदका खैरात का सवाब लिख दो। और मुसलमान यतीम बच्चे के सर पर, मस्कीन बच्चे के सर पर हाथ फेरते हैं, फरिश्तों को हुक्म मिलता है इसका सवाब लिख दो। हर नेक अमल करने वाले के लिए फरिश्तों को हुक्म मिलता है इसके नेक अमल का सवाब लिख दो। नमाज का सवाब, हज का सवाब, ज़कात का सवाब, सदके खैरात का सवाब फरिश्ते लिखते हैं। जब रोजे की बारी आती है रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं, अस्सौमली वानाजुजी बिही, रोजा मेरे लिए है, मोमिन ने रोजा रखा मेरी रजा के लिए, मुझे राजी करने के लिए रोजा रखा। फरिश्तों अब तुम्हें हुक्म नहीं है कि मेरे इस बंदे के लिए रोजे का सवाब लिखो, तुम हट जाओ, आना अजजी भी, मैं खुदा खुद इसका बदला अदा फरमाऊंगा। रोजे का बदला मैं खुद लिखूं, तुमने नहीं लिखा, आना अजजी भी। रब्बे कायनात फरमाते हैं रोजा मेरे लिए, रोजे में रियाकारी नहीं हो सकती, हर अमल में रियाकारी हो सकती है। नमाज में दूसरे लोग भी देखते हैं नमाज पढ़ रहा है, हज में ज़कात में, और नहीं तो जिसको माल दे रहा है उसको मालूम है। हर अमल में दूसरे लोग देखते हैं लेकिन रोजे में रियाकारी नहीं हो सकती। सभी कह सकते हैं मुझे रोजा है लेकिन पता नहीं चलता कि रोजा है या नहीं। रोजे का मामला अल्लाह के साथ है, अल्लाह देखते हैं मेरे इस बंदे को रोजा है या नहीं। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं सौमली वाना अजजी भी, रोजा मेरे लिए है इसलिए इसका बदला भी मैं खुद खुदा अदा करूंगा। ये जो मैंने हदीस कुदसी पढ़ी है ना, आप में से कुछ पढ़े लिखे हजरात भी तशरीफ फरमा है, इल्मी बात है। एक तो है आना अजजी बही, ये मालूम का सीगा है, मारूफ का सीगा है। और बाज मुहद्दिसीन कहते हैं ये मजहूल का सीगा है, अस्सौमली मा आना उजजा भी। अब इसका अजीब तरीका, रब्बे कायनात फरमाते हैं अस्सौमली व आना उजजा भी, रोजा मेरे लिए आना उजजा भी। बाकी अमल करते हो, नमाज पढ़ने से जन्नत मिलती है और हज करने से जन्नत मिलती है, ज़कात अदा करने से जन्नत मिलती है, सदका खैरात करने से जन्नत मिलती है, कुरान की तिलावत करने से जन्नत मिलती है, दुरूद शरीफ पढ़ने से जन्नत मिलती है, इस्तिगफार पढ़ने से जन्नत मिलती है, लेकिन रोजे पर जन्नत नहीं मिलती। क्या मिलता है? अल्लाह फरमाते हैं अस्सौमली व आना उजजा भी, रोजा चूंकि मेरे लिए है रोजे पर जन्नत नहीं मिलती, रोजे पर मैं जन्नत वाला खुदा मिल जाता हूँ। बाकी अमाल पे जन्नत मिलती है, रोजे पर मैं खुदा मिल जाता हूँ। वा आना उजजा भी, रोजा मेरे लिए रोजे के बदले में मैं खुदा मिल जाता हूँ। सुभान, जब खुदा मिल गया जन्नत तो खुद ब खुद मिल गई। महमूद गजनवी एक बादशाह गुजरा है, महमूद गजनवी ने एक दफा अपने वजीरों मुशीरों को जमा किया और कुछ हीरे जवाहरात मोती कीमती किस्म के मंगवाए। हीरे जवाहरात मोती कीमती किस्म के आ गए, लाए गए, तो उसने उनको बिखेर दिया और अपने वजीरों मुशीरों को कहा
जो चीज चुनना चाहे चुन ले। वजीरों मुशीरों को कहा ये हीरे जवाहरात हैं, इनको मैं बिखेर रहा हूं, इनको चुन लो। और खुद घोड़े पर सवार होकर घोड़े को दौड़ा दिया। वो सारे वजीरों मुशीर हीरे जवाहरात चुनने में लग गए। लेकिन एक उसका वजीर जिसका नाम अयाज था, उसने हीरे जवाहरात नहीं चुने, वो भी घोड़े पर सवार हुआ और महमूद गजनवी बादशाह के पीछे चल पड़ा। कुछ आगे चल के महमूद गजनवी ने पीछे मुड़कर देखा तो अयाज जो वजीर है वो भी सवारी पे सवार होके मेरे पीछे पीछे आ रहा है। कहा बड़ा अजीब आदमी है तू, मैंने वहां हीरे जवाहरात बिखेरे, बाकी सारे वो चुन रहे हैं, तू मेरे पीछे पीछे। तो अयाज ने अजीब जवाब दिया, उसने कहा उनको हीरे जवाहरात की जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत का मुझे हीरे जवाहरात की जरूरत नहीं, मुझे आपकी जरूरत है। अयाज बड़ा समझदार था, जब बादशाह मिल गया तो हीरे जवाहरात क्या, ये सब कुछ मिल जाए। इसलिए रब्बे कायनात ने फरमाया अस्सौमुनी उजाबी, बाकी आमाल से जन्नत मिलती है, रोजा रखने से आना उजाबी, मैं खुदा मिल जाता हूँ। रोजा रखने से खुदा मिलता है। रोजा एक मुशक्कत का नाम है, इसलिए तो महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तस्तग़फिरु लहुल हीतान, फरमाया रोजा रखने वाले के लिए तो दरिया की मछलियां भी बख्शिश की दुआ करती हैं। या अल्लाह इस रोजा रखने वाले की बख्शिश फरमा। तो बाकी आमाल से जन्नत मिलती है, रोजा रखने से जन्नत वाला मिलता है। एक सहाबी है हजरत रबिया, कह दो रजी अल्लाह ताला, हजरत रबिया रजी अल्लाह ताला अन्हो बड़ी अजमत वाले सहाबी हैं। पिछली रात का टाइम था, हजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम तहज्जुद के लिए उठे। हजरत रबिया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तहज्जुद के वक्त वुजू कराया, अपनी नींद को छोड़ा, आराम को छोड़ा, बिस्तर को छोड़ा, नींद कुर्बान की महबूब के लिए, पानी भर कर लाए, महबूब को वुजू कराया, तो रहमत वाला दरिया जोश में आ गया। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सल्या रबिया, फरमाया पिछली रात का टाइम है, रबिया तुमने अपनी नींद को कुर्बान किया, सल्या रबिया, रबिया आज मांगो, पिछली रात का टाइम है, क्या मांगते हो, दरियाए रहमत जोश में है, रबिया आज मांग, क्या मांग, कुर्बान जाए। हजरत रबिया रजी अल्लाह ताला अन्हो के इंतखाब पर हजरत रबिया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दुनिया की कोई चीज नहीं मांगी, ना दुनिया का सवाल किया, ना दौलत का सवाल किया, ना माल का सवाल किया, ना कोठी बंगले का सवाल किया। जब महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सल्या रबिया, रबिया मांगो, क्या मांगते हो, हजरत रबिया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा अस्अलुका मुराफिकतका फिल जन्ना, महबूब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यही चाहता हूं कि जन्नत में आपकी रिफाकत और साथ नसीब हो जाए। महबूब और कुछ नहीं चाहता, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, आपका साथ चाहिए जन्नत में। अस्अलुका मुराफिकतका फिल जन्ना, पता था ना हजरत रबिया को, जब हजूर की रिफाकत मिल गई सब कुछ मिल जाए। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं
रोजा रखने वाले को खुदा मिल जाता है। जब खुदा मिल जाता है तो जन्नत और जन्नत की नेमतें खुद ब खुद मिल जाती हैं। इसलिए महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, अस्सौमुनी व अना उजजा बिही। रोजा मेरे लिए होता है, इसलिए रोजा रखने वालों मैं खुद खुदा तुम्हें मिल जाता हूँ। अबू अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला खलूफ फम साइम अतयब इंद अल्लाह मिन रीहिल मिस्क। सुभान अल्लाह, मैं जब रोजेदार रोजा रखता है उसके मुंह में जो हुल्ले पैदा होते हैं, बदबू तो नहीं कहते, रोजेदार के मुंह की हवा, रोजा रखने वाले के मुंह में जो हुल्ले पैदा होते हैं, अतयब इंद महबूब ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत को जन्नत की कस्तूरी से भी वो ज्यादा खुशबूदार लगते हैं। रोजेदार के मुंह के जो हुल्ले उठते हैं वो अल्लाह को जन्नत की कस्तूरी और खुशबू से भी ज्यादा खुशबू वाले मालूम। रोजे की हालत में बहुत सारे आबाब मिसवाक का मसला पूछते हैं, जी अगर मिसवाक करें तो मुंह की वो खुशबू तो खत्म हो जाएगी रोजे वाली। भाई ऐसी कोई बात नहीं है, इफ्तारी से दो मिनट पहले भी मिसवाक कर सकते हैं। ये गलत मसला मशहूर है कि बस असर के बाद मिसवाक नहीं करना, ऐसी बात नहीं है। रोजा रखने के बाद जिस वक्त मर्जी चाहे मिसवाक कर सकते हैं, असर के बाद कर सकते हैं, और इफ्तारी से दो चार मिनट पहले जब वुजू करते हैं उस वक्त भी मिसवाक कर सकते हैं। वो जो मुंह की खुशबू है रोजेदार की वो बातनी चीज है, वो मिसवाक से ज़ाहिर नहीं होती, खत्म नहीं होती। तो मैंने अर्ज किया आज दो चीजों पे गुफ्तगू होगी, रोजा और कुरान। रोजा रखने से पिछले गुनाहों की बख्शिश होती है, रोजा रखने से जन्नत मिलती है, रोजा रखने से जन्नत वाला खुदा मिलता है। और रात को हुक्म दिया कि तरावी में कुरान पढ़ो, कुरान सुनो। महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें पता है रात को कुरान पढ़ने पर या तरावी में कुरान सुनने पर क्या मिलता है? रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी कुरान का एक हर्फ पढ़ता है, मन करा हर्फ मिन किताबिल्लाह, जो आदमी कुरान का एक हर्फ पढ़ता है, रब्बे कायनात दस नेकियां अता फरमाते हैं। लेकिन किस वक्त? जब कुरान खुला हुआ ना हो, वुजू भी ना हो, जबानी कुरान की तिलावत की जाए तो एक हर्फ पर दस नेकियां मिलती हैं। अगर वुजू के साथ कुरान का एक हर्फ पढ़ा जाए तो रब्बे कायनात एक एक हर्फ पर 25 नेकियां अता फरमाते हैं। वुजू हो और जबानी कुरान पढ़ा जाए, सामने कुरान खुला हुआ ना। फरमाया, मोमिन अगर कुरान खोल लेता है, कुरान की जियारत भी कर रहा है, कुरान की तिलावत भी कर रहा है, तो एक एक घर पर रब्बे कायनात 50 नेकियां अदा फरमाते हैं। लेकिन ये नमाज से बहस, अगर नमाज के अंदर कुरान की तिलावत करता है, महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नमाज में कुरान का एक एक हर्फ पढ़ने पर अल्लाह जल्ला शानुहू 100 नेकियां अता फरमाते हैं। एक एक हर्फ पढ़ने पर 100 नेकियां नमाज। लेकिन ये भी रमजान के अलावा की बात है, रमजान के महीने में हर नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। इसलिए तो फरमाया ना, जो रमजान में नफिल पढ़े फर्ज के बराबर सवाब मिलता है, जो फर्ज अदा करे 70 फर्ज अदा करने का सवाब। रमजान में हर नेकी का सवाब
70 गुना बढ़ जाता है। इसलिए रमजान के अंदर जब रात को तरावी में आप कुरान पढ़ते हैं या सुनते हैं, एक एक घर पर रब्बे कायनात 7000 नेकियां अता फरमाते हैं। एक घर कितना होता है पता है? अबू अलैहि सलाम ने इरशाद फरमा दिया, समझा दिया, ला अकूलु अलिफ लाम मीम हर्फ वाहिद। फरमाया अलिफ लाम मीम को एक हर्फ ना समझना। अलिफ एक हर्फ है, लाम दूसरा हर्फ है, मीम तीसरा हर्फ है। तो अल्हम्दो को एक हर्फ ना समझना, अल्हम्दो के पांच हर्फ। अलिफ पहला हर्फ, लाम दूसरा हर्फ, हा तीसरा हर्फ, मीम चौथा हर्फ, दाल पांचवा हर्फ। सिर्फ अल्हम्दो के जुमले के पढ़ने पर और सुनने पर जब एक हर्फ पे 7000 ने किया तो अल्हम्दो के पढ़ने और सुनने पर 35000 ने किया। अब एक सिपारा तिलावत सुना, करो हिसाब, तुम्हारे कैलकुलेटर जवाब दे जाएंगे कि हमने कितनी नेकियां कमाई, शुमार ही नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहा करता हूं कि खुदा की कसम, जब आप रात को तरावी पढ़ने के लिए आते हैं खाली दामन आते हैं, जब आप तरावी पढ़ के जाते हैं करोड़ों नेकियां कमा के जाते हैं। दुनिया में पता नहीं चलता, वक्त तो गुजर ही रहा है। जो तरावी नहीं पढ़ते उनका भी गुजर रहा है, जो पढ़ रहे हैं उनका भी गुजर रहा है, जो कुरान नहीं सुनते उनका भी वक्त गुजर रहा है, जो कुरान सुन रहे हैं रमजान की कदर कर रहे हैं उनका भी वक्त गुजर रहा है, लेकिन जो नहीं सुन रहे हैं उनका वक्त जाय हो रहा है, जो कुरान सुन रहे हैं उनका वक्त कीमती मान रहा है। ये असल में खुदा की तौफीक है। अल्लाह जिसको तौफीक अता फरमाते हैं उनको ये नेमत मिलती है कि दिन को रोजा भी रखना और फिर शाम को तरावी में आके हाथ बांध के अल्लाह के सामने खड़े होके कुरान की तिलावत भी सुनो। कुरान से ताल्लुक जोड़ो, कुरान से। ये कुरान का ताल्लुक काम आएगा। महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अस्सियाम वल कुरान यशफान लिल अब्द यौमल क़ियामा। क़यामत का दिन होगा, लोगों का हिसाब किताब हो रहा होगा। दो चीजें इंसान की सिफारिश करेंगी, एक तरफ अल्लाह का कुरान, दूसरी तरफ माह रमजान। रोजा सिफारिश करेगा और कुरान। فيقول القرآن يا رب إني مناته النوم في الليل। قرآن کہے گا یا اللہ اس نے میرا احترام کیا, نیند قربان کیا کہ میں قرآن کی تلاوت سنی, اس نے دنیا میں رمضان کی راتوں میں میرے ساتھ دوستی لگائی, میں قرآن اس کی سفارش کرتا ہوں, اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرماؤں۔
छोड़ देता, अपनी ख्वाहिशात पे काबू पा लेता। या अल्लाह इसने मैं रोजे का एहतराम किया, मैं रोजा शफात करता हूँ, इसको जन्नत का दाखिला नसीब फरमा। एक तरफ रोजे की शफात, दूसरी तरफ कुरान की शफात, फयु शफान, महबूब ने फरमाया दोनों की शफात कबूल कर ली जाएगी। अल्लाह फरमाएंगे उदखुल जन्ना, चल मेरे बंदे जन्नत में दाखिल। दुनिया में पता नहीं चलता, एक एक लहजा हमारा कीमती है। जितने दिन बाकी हैं एहतराम कर लें, अब भी वक्त है, अब भी आधा रमजान बाकी है। दिन को रोजा, रात को तरावी में कुरान, एक घंटे की बात है ना, नेकियां किरोड़ों। रात को एक घंटा कुर्बान करके किरोड़ों नेकियां हमें मिल जाए तो सौदा सस्ता है। जमे महंगे कुरान तो वो किताब है जिसने कुरान से ताल्लुक जोड़ लिया, जैसे कुरान खुद शान वाला है, जिसका ताल्लुक हो जाता है उसको भी कुरान शान वाला बना देता है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कबीर के अंदर बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम की तफसीर लिखते हुए एक वाकया नकल किया है, बड़ा अजीब वाकया, आपके ईमानों को ताजा करने वाला। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, एक आदमी फौत होने लगा, उसकी औलाद नहीं थी, बे औलाद, लेकिन घर वाली हमल के साथ थी। अपनी घर वाली को ये वसीयत की, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, तेरे पेट से बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो, मेरी वसीयत है तूने उसको कुरान का हाफिज बनाना है। वसीयत कर, फौत होगी या दुनिया से रुखसत होगी, चार महीने के बाद रब्बे कायनात ने उस बेवा को बेटा अता फरमाया, उसने पाला, तरबियत की। जब छह साल का हुआ, उस्ताज की खिदमत में ले गई, कहने लगी ये बच्चा तो यतीम है, इसका वालिद फौत हो गया, लेकिन वो वसीयत कर गया था, उसकी वसीयत के मुताबिक मैंने इस यतीम बच्चे को कुरान का हाफिज बनाना है। उस्ताद के हवाले किया, कहा मेरे बेटे को कुरान का हाफिज बना दे, चली गई। उस्ताद ने पहले दिन उस मासूम बच्चे को अपने सामने बिठाया और पहले दिन सबक दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा दिन मासूम बच्चे ने बिस्मिल्लाह की तिलावत की, अल्लाह का नाम जबान पर, जबान भी पाक, अल्लाह का नाम भी पाक। मासूम बच्चा सारा दिन कुरान पढ़ता रहा, सारा दिन बिस्मिल्लाह की तिलावत करता रहा। जब शाम को छुट्टी हुई, घर गया, माँ ने कहा बेटा क्या सबक लिया? बेटे ने सबक सुनाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज अल्लाह का नाम याद किया। जब बच्चा बोलने लगे, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसको अल्लाह का नाम सिखाओ। और हमारा बच्चा जब बोलने लगता है, हम उसको अंग्रेजी सिखाते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं, बड़ा फखर करते हैं, देखो हमारा बच्चा इंग्लिश बोले। और हजूर ने फरमाया तुम्हारा बच्चा बोलने लगे उसको अल्लाह के नाम सिखाओ, उसकी जबान पर अल्लाह के नाम। रात हो गई, बेवा ने ख्वाब देखा, वाक्य बड़ा लंबा है, इख्तसार कर रहा हूं। बेवा ने ख्वाब देखा, घर वाला ख्वाब में नजर आया, हैरान हो गई। छह साल का अरसा गुजर गया, फौत हुए, कभी ख्वाब में नजर नहीं आया, आज रात ख्वाब में नजर आ गई। देखा कि एक सोने और चांदी का तख्त बना हुआ है, उस पर वो घर वाला बैठा है, जन्नत की नेमतें उसके सामने हैं। घरवाली ने पूछा क्या हाल है, रोने लगा, फिर हंसने लगा, कहा समझ नहीं आती रोया क्यों, जन्नत की नेमतें तुम्हारे सामने, जन्नत में हो, जन्नत के महल में हो, जन्नत के तख्त पे बैठे हो, रोना क्यों।
चीख निकल गई, धाड़ मार के कहने लगा इसलिए रो रहा हूँ, 6 साल का अरसा हुआ दुनिया से रुखसत हुए मुझे, कब्र में गए हुए 6 साल का जमाना गुजर गया, लेकिन कब्र में कोई रात ऐसी नहीं गुजरी, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा, कोई लहजा घड़ी ऐसी नहीं गुजरी मुझे कब्र में अजाब ना हुआ हो। गुनाहों की वजह से, खताओं और सियाहकारियों की वजह से कोई लहजा ऐसा नहीं गुजरा मुझे कब्र में अजाब ना हुआ हो। उस अजाब को याद करके रो रहा हूँ। अच्छा हंसा क्यों? आज जब तुमने आज मेरे मासूम बच्चे को कुरान पढ़ने के लिए बिठाया तो रब्बे कायनात ने मेरी जन्नत का फैसला फरमा दिया। जब अल्लाह ने फरमाया ना मेरे इस बंदे को जन्नत में भेज दो, फरिश्तों ने बहस की। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, फरिश्तों ने बहस की, अल्लाह ये सियाहकार खताकार इसने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी, आज क्या हो गया? यकदम इसके जन्नत का फैसला हो गया। मौला क्या बात है, ये तो बड़ा सियाहकार था। रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया, मेरे मलाइका, मेरे फरिश्तों, यकीनन मेरा बंदा गुनाहगार खताकार इसने सारी जिंदगी सियाहकारियों में गुजारी, लेकिन इसका बेटा कुरान पढ़े मैं इसको अजाब में रखूं मेरी रहमत गवारा नहीं करती, इसका बेटा कुरान पढ़े मेरी किताब की तिलावत करे और मैं रब इसको अजाब में रखूं मेरी रहमत गवारा नहीं करती। कुरान से ताल्लुक जोड़ो, औलादों को कुरान पढ़ाओ, खुदा के लिए औलाद का ताल्लुक कुरान के साथ जोड़ो। अगर औलाद को कुरान नहीं पढ़ाया, अगर औलाद को दीन की तालीम नहीं दी तो फिर यही औलाद होगी जो जूते समय तुम्हारे जनाजे पड़े। पिछले दिनों आपने भी अखबारात में पढ़ा होगा, मैं भी कांप गया पढ़कर। एक आदमी गैर मुल्क में रहता था, 20 लाख तनख्वाह, 20 लाख। इतला मिली तुम्हारे वालिद कराची में फौत हो गए, कहां मेरा इंतजार करो। वापस पहुंचा, फ्लाइट के जरिए कराची आया, जनाजा तैयार था, लोगों ने सफे बना ली, धाड़े मार मार के रो रहा है। लोग कहते हैं क्यों रो रहे हो, हर किसी के वालिद दुनिया से रुखसत होते ही हैं, आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? उसने जो जुमला कहा हिला के रख दिया, कहते हैं अपने बाप को नहीं रो रहा, मेरे बाप ने मुझे दुनिया की इतनी तालीम दी कि गैर मुल्क तक पहुंच गया, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ मैं बाप का जनाजा जो पढ़ू मुझे जनाजे की दुआ नहीं आती, जनाजे में पढ़ू तो क्या पढ़ू, बाप के जनाजे पर दुआ नहीं आती। पहले लोग जिंदों के साथ धोखा करते थे, अब मरने वालों के साथ धोखा करते हैं। मैयत के पीछे जाके खड़े हो गए, दुआ जनाजे की आती। 6 साल का अजाब रब्बे कायनात ने बिस्मिल्लाह की बरकत से हटा दिया, बेटे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, अल्लाह ने 6 साल के अजाब को राहत में बदल के जन्नत का फैसला फरमाया। इतने बड़े मजमे में 20 आदमी मांगता हूं जो खड़े होकर ये कहें हम अपने बेटों को कुरान का हाफिज बनाएं। रमजान का महीना है, रोजे के खड़े होकर वादा, ऐसे नहीं शैतान की कमर तोड़े, 20 आदमी खड़े होकर वादा करें हम अपने बेटों को कुरान का हाफिज बनाएंगे। जज़ाकअल्लाह, ये तो मैंने 100 मांगना था, माशाल्लाह भी अल्लाह जज़ाक खैर अता फरमाए। अल्लाह आप हजरात की औलादों को नेक बनाए, अल्लाह हम सबकी औलादों को दीन के साथ लगाओ नसीब फरमाए। दोस्तों मैं ये नहीं कहता औलाद को दुनिया की तालीम ना दे, ये भी एक जरूरत है माशरे की, लेकिन खुदारा दीन की तरफ भी लगाएं, कम अज कम उनको दीन के साथ जोड़ें, उनको हलाल हराम का इल्म तो हो, कम अज कम उनको ये तो पता हो जनाजे में क्या दुआ पढ़नी है। अगर बेटा नेक होगा तो हर नमाज में कहेगा रब्बना अग़फिर ली वले वालिदय्या, रब्बना अग़फिर ली वले वालिदय्या, अल्लाह मेरी भी बख्शिश फरमा, मेरे वालिदैन की भी बख्शिश फरमा। अल्लाह जल्ला शानहू हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दुआना है वाला आले।